जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर सबसे। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके अच्छा, इसमें ना कंटेंट राइटिंग का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट डैट इज थर्ड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट डैट इज इन एक्चुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी कहते हैं या कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी कोई भी कीवर्ड राइट कर लेते हैं, की होल्डर। सो की होल्डर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ये जो नीचे हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी, की होल्डर। ठीक है, और अब इसमें ना लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग कहते हैं किसको है? कोई दो से तीन प्रोडक्ट्स को मैं ओपन कर लेती हूँ नेक्स्ट टाइम में, और जस्ट ओवरव्यू मैं आपको गाइड करते हुए नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं इसको ना क्रिएट किस तरह से करते हैं। मैं कल अच्छा किसी एक प्रोडक्ट मैंने राइट साइड पे क्लिक की है, ठीक है, उसमें अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है। ये पेज जो आपको नज़र आ रहा है ना किसी एक सेलर का मैंने ओपन किया है, इसी तरह हमने अपनी प्रोडक्ट का ना ये पेज बनाना होता है जिसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं, जिसमें टाइटल और बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं 5। ठीक है, इसके अलावा नीचे आपके पास बुलेट पॉइंट्स के अलावा प्रोडक्ट डिटेल पे ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये देखिए अमेज़ॉन ने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इस सेलर को यानी कि अलो किया कि वो डिफरेंट टाइप की अट्रैक्टिव इमेजेस एंड वीडियोज़ वगैरह लगा सकता है। क्यों अलो किया है? एज अ न्यू सेलर नहीं ये लो होता, लेकिन ये सेलर ऑलरेडी अमेजोन के साथ ना इसकी प्रोडक्ट्स 2 से 3 रजिस्टर होंगी, सो डैट्स वाई अमेजोन ने इसको ना अलो कर दिया हुआ है कि अपनी प्रोडक्ट्स को ना अपनी डिटेल पेज में आप ये तमाम जो है चीज़ें यानी कि इधर कोई अट्रैक्टिव इमेजेस या अट्रैक्टिव कोई भी वीडियोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें ना हमने बनाना किस तरह से इसको होता है, पहले इसका ना ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, देन हम जो है ना इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं। सो कंटेंट राइटिंग का मैं आपको बताती चलूँ, कंटेंट राइटिंग क्रिएट किस क्यों की जाती है, ये अभी जो मैंने पेज बताया है इन एक्चुअली Recording in progress. आपने से किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर ली। फिजान नबीला और कौन है जिनका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें तमाम स्टूडेंट्स। माइक ऑफ करें, देन हम मूव ऑन करें नेक्स्ट। चले जी, अच्छा अब मैं बता रही थी कि कंटेंट राइटिंग हम किस तरह से करते हैं और क्या रीज़न है कि हम कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने कोई दराज पे कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो ऑनलाइन वे से जब आप दराज पे कोई भी चीज़ बाय करने के लिए यानी कि करते हैं ना, मेक श्योर करते हैं हम आवाज नहीं आ रही आपकी, जी हम जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जस्ट वेट 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 अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि कंटेंट राइटिंग हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। दराज में जब आपने कोई प्रोडक्ट लेनी होती है तो उसमें जब आप क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे तो आपको प्रोडक्ट का इमेज भी नज़र आ रहा होता है, प्रोडक्ट के उन्होंने टाइटल भी बताया होता है नीचे प्रोडक्ट का। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रॉक आपने बाय करनी है, उसकी लेंथ बताई होती है, विड्थ बताई होती है, उसका यानी कलर बताए होते हैं, उसका स्टफ बताया होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई होती हैं इन एक्चुअल ये क्या है प्रोडक्ट, डिटेल्ड है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताई होती है। सेम लाइक दैट हमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सेम इसी तरह हमने अमेजोन पे भी कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके देखा जाता है ना कि इसके क्या फीचर्स हैं। एक तो हमें उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है, ठीक है, सेकेंड थिंग कि ऑडियंस को कनेक्ट करती है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिएगा ये ना गूगल है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैंने अगर प्रोडक्ट ये बाय करनी है तो मैं किस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगी? सबसे पहले तो मैं इमेजेस वगैरह,
और ये देखूंगी इमेजेस वगैरह के साथ टाइटल देखूंगी। अगर तो मुझे ये दोनों चीज़ें अट्रैक्टिव वन लगेगी ना, तो मैं इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन करूंगी। अदर देन डैट अब मैं इधर से ही इनको लेफ्ट कर दूंगी। या आप नीचे भी देख सकते हैं जो मेरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल जी मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस टाइप की चाहिए, ठीक है, जिसमें जो है बाकी चीज़ें भी स्टोर हो जाएं और हैंगिंग के लिए भी कोई जो है वो मुझे पॉइंट मिल जाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट बाय करने के लिए मैं क्या करूँगी, फिर इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन करूँगी, टाइटल देखूँ, टाइटल भी ठीक है, फिर मैं इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन करके देखूँगी कि आइदर ये मेरी बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है प्रोडक्ट के नहीं। बुलेट पॉइंट्स को रीड आउट करूँगी, डिस्क्रिप्शन में जाऊँगी तो उसके बारे में डिटेल्ड वे से देखूँगी ये प्रोडक्ट क्या है, क्या फीचर दे रही है। फिर अगर मुझे अच्छी लगेगी तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके मैं बाय कर लूँगी। सेम लाइक दैट, इसी तरह ये द्रास पे भी इसी तरह ही होता है ना। द्रास का तो आपको एक्सपीरियंस होगा, बट ये अमेजोन है, इसमें यही चीज़ मेक श्योर कर रही हूँ कि ये चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके इमेजेस और टाइटल चाहिए जो कि आपको बनाना होता है। अच्छा ये देखिए, टाइटल वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। वेल ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपने जो टाइटल में इमेजेस, ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ना, वो अच्छे तरीके से ऐड करने हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। शुड बी ग्रैबिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स शुड बी इन द टाइटल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है ना, आइसक्रीम स्कूप आपका मेन कीवर्ड है, तो वो आपने टाइटल में ज़रूर ऐड करना है। डैट इज़ इन एक्चुअल कार्ड प्राइमरी कीवर्ड। लेकिन आइसक्रीम स्कूपर में भी आइसक्रीम स्कूप का सर्च वॉल्यूम है 55K, ठीक है, और आइसक्रीम स्कूपर का सर्च वॉल्यूम इससे बिलो जा रहा है 53K। 53K आइसक्रीम स्कूपर आपका मेन कीवर्ड नहीं है, वो सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपका मेन कीवर्ड नहीं है, सेकंड थिंग कि उसका सर्च वॉल्यूम प्राइमरी कीवर्ड से कम आ रहा है। तो इसलिए सबसे मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है आपने उसको और सेकेंडरी कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को आपने टाइटल में ज़रूर ऐड करना है। एक चीज़ मैं श्योर कर दूं यहाँ पे, ये नहीं अब कन्फ्यूजन में रहना कि प्राइमरी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे हाई होता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम हाई होता है, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सेकेंडरी का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, लेकिन प्राइमरी जो है ना हमें देखने से पता चल जाता है ये हमारा मेन कीवर्ड है। अगर किसी ने लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग आपसे क्रिएट करवानी है तो उसने आपको कीवर्ड बताना है, इसके अलावा आपने अगर उसने नहीं बताया, उसने एसन आपको प्रोवाइड करना है, आपने सेरिब्रो में उसको पेस्ट करके मार्केट सिलेक्ट करके आपने जो मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने का मैंने मेथड बताया था, आपने उसके थ्रू मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लेना है। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट जो कि मैंने 5 बताए हैं, ये आपके आपने वो बुलेट पॉइंट्स इन एक्चुअल ना प्रोडक्ट की समरी बताता है। फॉर एग्जाम्पल डिटेल नहीं भी मैंने पढ़नी, मैं समरी पढ़ूंगी, मुझे समझ आ जाएगी मेरी रिक्वायरमेंट ये प्रोडक्ट फुलफिल कर रही है, मैं बाय कर लूँगी। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो प्रोडक्ट की डिटेल बताती है। अब इसमें कंटेंट राइटिंग से पहले आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, गुड ग्रैप्स ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं ये नहीं कहती अब अंग्रेज़ी बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल जो है वो भी लाइक कर सकते हैं, इसका इसका वो नहीं है, कोई ट्रिकी टास्क नहीं है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये कंटेंट ऐसा है जिसमें हमने कॉपी पेस्टिंग करनी होती है और इस तरीके से करनी होती है अमेजोन को आइडिया ना हो कि हमने कॉपी कॉपी पेस्ट के थ्रू इतनी अच्छी लिस्टिंग क्रिएट करके लाइव कर दी है। सो कॉन्टेंट इज़ किंग, कीवर्ड इज प्रिंस, ग्रामर इज क्वीन, एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। इसमें टाइटल ग्रैबिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टर्म्स आ जाते हैं, टाइटल 200 कैरेक्टर का होना चाहिए, टाइटल पेज मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, कीवर्ड आपने 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने, ठीक है, क्योंकि आपकी डी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर टाइटल में 2 से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ किए जाए। ये आपने चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। बुलेट पॉइंट जो है ना, फर्स्ट बुलेट पॉइंट मटेरियल के बारे में बताता है, ये प्रोडक्ट आपकी किस मटेरियल की बनी हुई है। सेकंड फीचर आपको क्वालिटी क्या बताता है, किस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। थर्ड फीचर बेनिफिट्स, फोर्थ भी बेनिफिट, एंड फिफ्थ बताता है सेफ्टी मेजर। फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, या फिर कुछ कह देते हैं जी आप इस प्रोडक्ट को बाय करें और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो ये 2 ईयर की वारंटी के साथ है, आप इसका रिटर्न भी हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो सेफ्टी मेजर में होती हैं कि बायर ना इससे सेटिस्फाई हो जाता है प्रोडक्ट से। सो
डिस्क्रिप्शन में फीचर्स को एलैबोरेट करना होता है, पैराग्राफ स्टाइल में होना चाहिए, ग्रामेटिकली जो है ना करेक्ट होनी चाहिए। grammarly.com गूगल पर राइट कीजिएगा तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लीट कंटेंट को पेस्ट करेंगे ना जब, तो आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने ग्रामरली मिस्टेक्स की है। इसके अलावा जो है ना कीवर्ड की डेंसिटी 2 से 2.5 होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही लाइन में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दें। ये इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग को प्रैक्टिकली कल देखेंगे ना, उसमें मैं आपको कंप्लीट वे से गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि कंटेंट राइटिंग को हमने किस तरह से क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ना हो कि एक ही लाइन में 3 से 4 कीवर्ड ऐड कर दिए मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह से बताई होती है तरतीब वगैरह जो भी अरेंजमेंट होती है उनको हमने फॉलो करना होता है। डिस्क्रिप्शन 2000 तक आपने राइट करनी होती है। उसके बाद इसको क्रिएट करने का मेथड ये होता है कि ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ हमने क्या करना है, जो तो कि कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से ना 2 से 3 कंपेटिटर उठाने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये एक कंपेटिटर है, ठीक है, इसको इसको नेक्स्ट टैब में ओपन किया। आपने ना 2 से 3 कंपेटिटर जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किए होते हैं, मैं तो रैंडम कर रही हूँ ना सिलेक्ट, आपने 2 से 3 ऑलरेडी सिलेक्ट किए होने हैं, आपने उनको ना नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना। अब 2 से 3 जब कीवर्ड आप कंपेटिटर चूज़ करेंगे ना, फिर आपने उनकी ना ये तमाम कंटेंट राइटिंग को रीड आउट करना है, उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है इस तरह से, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नो डाउट आपने कॉपी ही करनी है चीज़ें, लेकिन अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जी बिंटो बॉक्स है ना, तो उसके मेरी प्रोडक्ट के 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो आपने कहना है कि यानी कि कंपेटिटर के 4 कंपार्टमेंट हैं, तो हमने ये नहीं करना कि 4 कंपार्टमेंट ही राइट कर देंगे। फिर बायर नेगेटिव रिव्यूज़ देगा कि आपने 4 कंपार्टमेंट का है आपके प्रोडक्ट में 2 कंपार्टमेंट, सो इसके अकॉर्डिंग ना आपको बैड रिव्यूज़ के चांसेस आ जाते हैं। अच्छा ये था, इसके अकॉर्डिंग फिर हमने ना कल किस तरह से क्रिएट करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फाइल बना के आपको क्रिएट करके बताऊंगी। अभी तक लेक्चर हमारा इतना ही था, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम, A to Z मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है A to Z मैनेजमेंट? जी, A to Z मैनेजमेंट में यही चीज़ें आ जाती हैं, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनबोर्ड रैंकिंग तक जितने भी टास्क आ रहे हैं वो A to Z मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अच्छा मैम, अमेजोन वो एक्सिस न्यू सेलर को क्यों नहीं देता कि वो हम डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स लगाएं और अट्रैक्टिव पिक्चर्स और इस तरह की? वो डेफिनेटली हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, हमने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होती हैं, तो अमेज़न तो अलाउ करता है हमें। अच्छा, तकरीबन तो मैंने ये देखा हुआ है कि उनका बैकग्राउंड वाइट ही होता है। कोई भी प्रोडक्ट्स पे अमेजोन पे मैंने देखी हुई, तकरीबन उनका बैकग्राउंड वाइट ही होता है। ऐसा भी नहीं देखा हुआ है कि फ्रंट में जो लोगो लगा हो, जैसे कि जो एक फ्रंट पिक्चर होती है ना, जैसे सामने हमारे एक कीज जैसे लिखा हुआ है, कि वो वाइट पिक्चर्स ही होती हैं तकरीबन, बैकग्राउंड वाइट। इसमें हमने जो इमेजेस वगैरह ऐड करनी होती है ना वो हमने यानी कि अट्रैक्टिव वन इमेजेस यूज़ करनी होती है। इवन दो जो फ्रंट आपकी इमेज होती है ना, फॉर एग्जांपल आप देखिए अमेजोन अलाउ करता है 9 इमेजेस, ठीक है। अब 9 इमेजेस अलाउ करता है, बट इसने जो भी 9, ये देखिए आप, इन्होंने जो भी 9 इमेजेस यूज़ किए हुए हैं, सबसे मेन इमेज आपका जो है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आपको यानी कि अपने फोटोग्राफर को और ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि बाकी इमेजेस भी। अच्छा इसमें ना मेन इमेज का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका इमेज की वजह से उनको सेल नहीं आ रही थी, इवन दो कि उनकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे पड़ी थी, रैंक वो कर गए हुए थे, लेकिन उनकी उनको सेल नहीं आ रही थी। तो उनके बिहाइंड रीज़न यही होती है कि आपकी इमेजेस वगैरह अट्रैक्टिव नहीं होती। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप खुद ही इमेजिन करें, यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं ओके करूँगी, ठीक है।
या फिर आप दूसरी तीसरी प्रोडक्ट्स देख लें, जो भी मतलब जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर रही, इमेज अच्छे नहीं लगाए हुए, तो मैं तो देख के ही इग्नोर कर दूंगी ना, बेशक वो फर्स्ट पेज पे है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं न्यू अकाउंट खोलना चाहता हूँ अमेजोन पे, तो एक ब्रांड का नेम रखना चाह रहा हूँ, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है ब्रांड नेम और लोगो। उनको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है, लेकिन हम वैसे ये रेकमेंड करते हैं कि आप 6 से 8 मंथ के अंदर रजिस्टर करवाएं, जाते ही जस्ट आप वर्किंग करें, बट ये रजिस्टर जो करवाना है आप 6 से 8 मंथ में करवाएं। आवाज नहीं आ रही है मिस। सबको इश्यू है आवाज का? यस नहीं मैम, क्लियर है। अभी सही है। कैन यू रिपीट अगेन दिस आंसर प्लीज मिस। ये जो ब्रांड मैम, रजिस्ट्री का इन्होंने कहा है ना, ये हम 6 से 8 मंथ के अंदर करवाते हैं, ये स्टार्टिंग पे हमें अलो नहीं होता। जब हमारी लिस्टिंग स्टेबल हो जाती है ना, जब ऑर्डर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, हमें एक स्टेबल पॉइंट पे होते हैं, 6 से 8 मंथ पे हम एसेट बिल्ड कर गए होते हैं, तो तब हम रजिस्टर करवा लेते हैं। अच्छा मैम, अगर कोई प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बनवाई है सेलर्स ब्रांड से, तो इंस्पेक्शन कंपनी जैसे कि आपने कहा ना कि हायर करवानी पड़ती है, कि हम उनसे 100% सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ उन्होंने कह दिया, मतलब ऑल ओके है। अगर ये इन्वेंट्री अमेजोन के पास जाती है और किसी कस्टमर के पास आता है, तो कोई ऐसी चीज़ मतलब ब्रेकअबल हो, या कस्टमर ये बोलेंगे जैसे आपने दिखाई थी वैसे नहीं आई, क्या हम 100% यकीन कर सकते हैं इंस्पेक्शन कंपनी पे? एग्जैक्टली हम 100% यकीन कर सकते हैं इंस्पेक्शन पे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैम, इंस्पेक्शन कंपनी और कंसल्टेशन कंपनी में जैसे कि आपने बताया रख के सैंपल्स, ठीक है, तो सैंपल्स के भी मैम चार्जेस लगते होंगे, तो इंस्पेक्शन और कंसल्टेशन कंपनी में क्या डिफरेंट है? अगर कंसल्टेशन कंपनी जैसे आपने कहा कि वो हम सैंपल भिजवाते हैं, वो भी चेक करते होंगे ना सैंपल्स को, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ इंस्पेक्शन और कंसल्टेशन कंपनी में? इंस्पेक्शन कंपनी ने आपके सैंपल जो है वो सैंपल नहीं चेक करने, इंस्पेक्शन कंपनी ने आपके इन्वेंट्री को चेक करना है जितनी आपने टोटल मंगवाई हुई है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन कंपनी है वो आपके सैंपल कलेक्ट करती है, ये डिफरेंसिएशन है। अच्छा, मतलब सैंपल कलेक्ट करती है, वो हमें बताती है कि हाँ सही है ऐसा कुछ। सैंपल कलेक्ट करने का पर्पस ये होता है कि हमें इस्माइल आपने कुछ से ये नहीं देखा लेक्चर, मैंने रेपिटेशन पे इनको अच्छे तरीके से इनको रिपीट किया है कि कंसोलिडेशन कंपनी का क्या फंक्शन है। मैम देखा था, पर ये थोड़ा क्वेश्चन था जो मुझे सही से समझ नहीं आया, इस वजह से मैंने रिपीट किया यहाँ पर। इंस्पेक्शन जो कंपनी है ना उसने जस्ट इन्वेंट्री को चेक करना है, लेकिन कंसोलिडेशन कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि हमने जगह जगह जो 3 सैंपल हैं, एक हम चाहे पाकिस्तान में शिप करवा लें, एक चाइना में, किस तरह से इधर उधर, लेकिन उससे हमें चार्जेस एक्सपेंसिव जो है बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमने क्या करना होता है कि कंसोलिडेशन कंपनी को हायर करके तो उसके पास सैंपल मंगवाने होते हैं, वहाँ पे फिर हमने चेक करना होता है। कंसोलिडेशन कंपनी के पास 3ों सैंपल जब आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट जो है वो सैंपल की नहीं पड़ती, लाइक सिंगल सैंपल की कॉस्ट पड़ेगी, फिर वहाँ से हम मूव ऑन करवाते हैं। अगर लेट्स सी के हमारे पास आ जाएँ या क्लाइंट के पास आ जाएँ, तो जस्ट ये हमें कॉस्टली जो है ना वो प्रिवेंट करती है। ठीक है मैम, थैंक यू। यही क्वेश्चन था चलें और हाँ किसी मिस। का। जो आपने बताया कंसोलिडेशन कंपनी जो सैंपल है उसी के पास जाएगा, वो चेक करेगा या वो सेंड करेगी आगे क्लाइंट को? सैंपल जो है वो कंसोलिडेशन कंपनी के पास ही फर्स्टली जाएगा। मैम वही फिर वो 3 जगह पे सेंड करेगा जो आपने बात की है? नहीं, 3 जगह पे वो क्यों सेंड करेगा, वो हमें सेंड जहाँ पे हम कहेंगे वो वहाँ पे पहुँचा देगा। जस्ट जी क्या क्वेश्चन था? अभी किसी ने कुछ माइक अनम्यूट किया था। यस मिस, मैंने क्या था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्लाइंट हमें क्या टाइम लिमिट दे देता है कि इसी टाइम पे आपने प्रोडक्ट हंट करनी है और इसी टाइम पे आपने सोर्सिंग करवानी है और इसी टाइम पे आपने सेल आउट करनी है। नहीं, इसमें सिनेरियो ये बनता है कि आपने 20 से 22 दिन के अंदर एवरेज आपने टाइम लेना है जिसमें प्रोडक्ट हंट करके देनी है,
उसके बाद फिर आपने उनसे फर्दर जो है ना, अब तो 42 डेज लग जाते हैं सोर्सिंग को, तो ये इतना ड्यूरेशन होता है। वो आपने उनको गाइड करना है कि 42 डेज एवरेज के हिसाब से 42 डेज लगते हैं सोर्सिंग को। वैसे तुम्हारी ट्राई होती है कि 22 डेज के अंदर या 1 मंथ के अंदर एंड 1 वीक एवरेज के इस ड्यूरेशन में हम सोर्सिंग करवा लें, लेकिन फिर भी जो है ना वो 42 डेज ले जाते हैं। तो उसमें फिर तब तक आपने लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग क्रिएट करनी होती है, वो तो 2-3 दिन के अंदर बन जाती है। फिर आपने जो ही आपकी इन्वेंट्री लाइव जाती है तो आपने पीपीसी पे वर्किंग करनी होती है, ये सिनेरियो होता है। तो क्लाइंट आपको, क्लाइंट को नहीं आइडिया कि आप कितने टाइम में काम करेंगे, आपने उनको गाइड करना होता है। ओके थैंक यू मिस। मेरा क्वेश्चन था मैम, ये वर्क टीम वर्क होता है या अकेला बंदा मैनेज कर लेता है? जी शी, आप क्वेश्चन करें। हम सोर्सिंग जब करते हैं तब क्लाइंट्स को मैसेज करते हैं। मैंने 2 बार के लिए 2-3 दिन पहले भी मैं कर रही थी, तो वो लोग तो इतनी ज्यादा प्राइस कहते हैं, मतलब उनसे कहें कि कम कर ले तो वो कहते हैं नहीं, मतलब कम नहीं होगी ना। काफी ज्यादा क्लाइंट्स थे, एक से भी नहीं, दो से भी नहीं, मुझे लगा शायद कम कर देंगे प्राइस, बट उन्होंने नहीं की प्राइस ना कम। फिर लोकल मतलब पाकिस्तान से ही उन्होंने मैन्युफैक्चर करवा ली, वो उससे कम रेट में वो दे रहे थे, चाइना वाले ज्यादा रेट दे रहे थे। तो वैसे मतलब आप बता रहे थे कि वो कम कर लेते हैं, बट उन्होंने नहीं कम की ना मेरे लिए जो प्रोडक्ट की प्राइस थी। इसमें ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कुछ प्रोडक्ट्स के सप्लायर ही ऐसे होते हैं जो कि कम नहीं कर रहे होते, फिर हमें वहाँ पे ना ज़्यादा ज़रा एफर्ट लगाने पड़ती है, हमें वो सप्लायर फाइंड आउट करने होते हैं जो हमारी बातों में आ जाए। तो इसमें ये है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो मान जाते हैं, लेकिन अभी जो है ये कोविड की वजह से ना बड़ा ही जो है काम खराब हुआ पड़ा है। एक तो इन्होंने सोर्सिंग प्राइस भी बढ़ा दी हुई है, दूसरी ये चीज़ कि हमें शिपिंग शिपमेंट में भी DDP प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस पे ना दो थोड़े बहुत इनके इश्यूज चल रहे हैं, ये कोविड के बाद से चलना शुरू हो गए हैं। आगे पहले ये होता था 200 पीस भी शिप करवा देते थे, अभी 200 पीस पे तो बिल्कुल एग्री नहीं होते। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जिनका हमें डेफिनेटली, वो फिर सभी को ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने उनको दी बेस्ट अपनी दिखानी है कि आप उनको प्राइस से कम लेके आए। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इनको साथ साथ आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग का पूछना था कि लिस्टिंग जो है वो इसका ही निपटान का जो टूर है स्क्रिबल, वहां से करते हैं लिस्टिंग, पहले वहां पर लिखते हैं फिर वो देखते हैं कीवर्ड वगैरह सब कुछ। इशा, लिस्टिंग की जो है ना वो कल इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी मिलेगी, जस्ट मैंने ओवरव्यू बताया, कल इंशाल्लाह क्रिएट करके देखेंगे ना तो उसमें ये तमाम कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो सप्लायर हमें सेलेक्ट करना है और उसके लिए आपने क्राइटेरिया दिया था कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको हो चुका हो सप्लाई करते हुए, जैसे 9 ईयर आपने जो एग्जांपल दी थी, 9 ईयर्स या 5 ईयर्स इस तरह से, और 3 जेम्स होने चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपने बताए थे। तो अगर बाकी सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं लेकिन 3 जेम्स नहीं है, उसके पास 2 जेम्स हैं और वो आपको एज कम्पेयर टू 3 जेम्स जो सप्लायर्स हैं उनके कंपेरिजन में आपको वो थोड़ी कम रेट पे प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्या हम 2 जेम्स वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं? बाकी सब तो विद इन क्राइटेरिया है लेकिन ये जो 3 जेम वाला क्राइटेरिया ये मीट नहीं हो रहा, तो क्या हम उस सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं सोर्सिंग? इसमें ये अगर लेट्स सी आपने जो बात की है ना कि बाकी क्राइटेरियाज 50+ ट्रांजैक्शन हो और जो भी चीज़ें बताई थी वो अगर ओके हैं, अगर वो ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम इस पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप उनसे बात करके, उनसे बार्गेनिंग करके कम प्राइस में आप सोर्स करवा लें। ओके थैंक यू। जी, वेलकम। चलें जी, किसी स्टूडेंट की प्रैक्टिस लेते हैं अभी, जिस स्टूडेंट को मैम कहूँगी। एक और क्वेश्चन था प्लीज, ये हमें कोई कोई बुक अवेलेबल नहीं है? जैसे आपके लेक्चर्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे किसी ने कोई बुक राइट नहीं की अभी तक? कोई बुक हो जैसे बुक को रीड करें तो जब भी आपका दिल करे आप बुक रीड कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से अगर हम उसको देखें नोट्स निकाल के और लेक्चर सुने तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो कोई ऐसी बुक नहीं है जो आप रेफर करेंगी या कुछ इस तरह से? इसमें ना नोट्सीज तो मैंने हर तरह के बनाए हुए हैं, और PDF में या वर्ड में या जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देती हूँ। लेकिन बुक जो है ना मेरी इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो वो मेरी अभी यानी कि प्रोसेस में है, जो ही वो होती है ना तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलिए ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर इट। जी जी शाम को मैम। जी,
वालेकुम सलाम जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, अभी आपने कंसोलिडेशन कंपनी का बताया, वो मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन आ रहा है कि कंसोलिडेशन और इंस्पेक्शन में फर्क, वो तो समझ आ गया है, लेकिन कंसोलिडेशन कंपनी को हायर करने का मकसद जो है वो ये है कि हमें सैंपल जो कॉस्ट है वो कम पड़े। तो कंसोलिडेशन कंपनी सैंपल्स मंगवाएगी, वो फर्दर आगे हमें भेजेगी। कंसोलिडेशन कंपनी ने क्या करना है कि पीछे से सैंपल जो मंगवाने हैं ना, वो तीनों सैंपल एक ही जगह कलेक्ट होंगे। जब कंसोलिडेशन कंपनी के पास वो तीनों सैंपल आ जाएंगे ना, उसके बाद अब हमारी ही मर्जी है कि हम कंसोलिडेशन कंपनी को क्या कमांड देते हैं कि ये आपने सैंपल वहाँ पहुँचाने हैं। आइदर अब वो तीनों सैंपल हमें मिल जाएँ एज अ VA पाकिस्तान में शिप हो जाएँ, या फिर में जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको मिल जाएँ, या फिर जहाँ पे भी हम कहेंगे ना कंसोलिडेशन कंपनी ने विद इन $50 शिपमेंट करके वो पहुँचा देने हैं। तो ये इतना सा काम है कंसोलिडेशन सैंपल की प्राइस में जो है वो तीन सैंपल्स भेजेगी। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ये है कि जो ब्रांड का नेम होता है, आपने कहा जी कि ब्रांड का नेम जो है वो आपने सोर्सिंग आपने कर ली बात, और उस दौरान जो टाइम है उसमें आपने अपनी कंपनी का जो नाम है वो भी डिसाइड करना है, तो इसमें जो नेमिंग होगी वो कोई भी रैंडम हम रख सकते हैं या उसका कोई क्राइटेरिया होता है? क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई चैनल बनाए तो उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम करके कोई ऐसा यूनिक नाम निकालना होता है कि जो किसी और का ना हो, तो इसमें भी ऐसी कोई है या जो भी बस दिल में आए बस रख लें? इसमें ना ब्रांड का आपने बड़ी वर्किंग करनी होती है। लेट्स सी, जो ब्रांड आपने नेम सेलेक्ट करना है ना, वो ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ होगा ना, तो वो आप रिपीट रेपिटेशन पे रख नहीं सकते। तो ये इसीलिए अपना ब्रांड हर एक ने पीछे रजिस्टर करवाया होता है कि कोई उसी ब्रांड के नेम के साथ चल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल जोगो ब्रांड है, तो मैं कभी भी जोगो ब्रांड को, यानी कि अगर मैं जोगो अपना नेम रखती हूँ ब्रांड का, तो जोगो ब्रांड पीछे अमेजोन पे केस अराइज करेगा, तो मेरी लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा अमेजोन। तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी, हाँ उस पर यह है, ज़रा एफर्ट हमें लगती है, देखनी पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, वो ब्रांड का नेम किसी ने ऑलरेडी ना रखा हो। मैम, ये ब्रांड का नेम क्लाइंट का, क्लाइंट को सिलेक्ट करना होता है या इसमें भी VA की ही ड्यूटी है कि वो ब्रांड का नेम डिसाइड करके और क्लाइंट को दे? इसमें ना मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्लाइंट खुद अपने ब्रांड का नेम सोच के आए होते हैं कि हमने ये अपने ब्रांड का नेम रख के अमेजोन पे जाना है। अगर तो उन्होंने नहीं सोचा हो, फिर सम टाइम वो VA को भी कह देते हैं कि आप चूज कर दें। कॉम्पिटेटिव एनालिसिस है, कॉम्पिटेटर एनालिसिस, तो ये प्रोडक्ट हंटर की जॉब है या ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कौन सा था? प्रोडक्ट सोर्सिंग, हाँ सोर्सिंग, सोर्सिंग प्रोडक्ट सोर्सर की जॉब है या प्रोडक्ट हंटर इसको करेगा? कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटर एनालिसिस जो करना होता है ना, ये सोर्सिंग से पहले हमने टास्क कंप्लीट करना होता है, ये सोर्सिंग में इंक्लूड आती है चीज़। प्रोडक्ट हंटिंग में जैसे इतना है कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उसके उसका प्रॉफिट मार्जिन लेना है और उसको आपने जस्ट सेल आउट कर देना है। आइदर वो आपका अपना ये परमानेंट क्लाइंट है या फिर जो भी लोकल वे से भी आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगला टास्क आ जाता है सोर्सिंग, सोर्सिंग से पहले हमें कंपेटिटर एनालिसिस करके सोर्सिंग की तरफ मूव ऑन होना होता है। यानी जैसे अगर एक जॉब प्रोडक्ट हंटिंग की है, वो कोई और VA परफॉर्म कर रहा है और वो जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, और फॉर सोर्सिंग एक नया VA उसने हायर किया है, तो फिर सोर्सिंग वाला करेगा ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हंटिंग वाले को तो नहीं करके देना? एग्जैक्टली, सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट रिक्वायर कर लेते हैं कि इसकी ना कंपेटिटर एनालिसिस भी हमें करके दें, लेकिन ये पेमेंट जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग की ही आपने लेनी होती है। ये आपकी अपनी मर्जी, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग की पेमेंट के अकॉर्डिंग हमने वर्किंग कर दी है। अगर सोर्सिंग करनी है कंपेटिटर, वैसे अगर ये टास्क देखा जाए ना, तो ये अलहदा से एक टास्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंडिविजुअल वे से चलना हो ना, तो ये $50 का अलहदा टास्क है, बल्कि $30 का ये। तो अगर आपका क्लाइंट है तो फिर तो डेफिनेटली वो आपको इंक्लूड बीच में होता है, सोर्सिंग में इंक्लूड होता है। मिस, एक और क्वेश्चन था मेरा, ये लोगों का भी ऐसे ही, मतलब हम कोई भी रैंडम रख सकते चूज कर सकते हैं क्या?
ये ब्रांड और लोगो दोनों पीछे रजिस्टर करवाने होते हैं, और ये हम किसी का उठा नहीं सकते, दोनों ही दोनों इसीलिए रजिस्टर पीछे करवाए जाते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई आपको चीट ना कर सके इन दोनों लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम स्कूप सेल आउट कर रहे हैं, आपने जो लोगो लगाया हुआ है प्रोडक्ट पे, कोई भी कोई और भी लगा रहा है, तो उस पर आइडेंटिफिकेशन तो गई, आपकी प्रोडक्ट की पहचान तो गई, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेसिफाई होता है ना। सो डैट्स वाई ये आपको दोनों ही पीछे रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। मैम ये ओके किसी का थैंक इनफॉर्म यू। होगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फर्स्ट टाइम में ही रख रहा हूँ ब्रांड का नेम? जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैम यही कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांड का नेम सोचा हुआ है, तो मैं अगर अपना ब्रांड का नेम ये रखना चाहता हूँ तो मुझे ये कैसे कंफर्म होगा कि ये ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? कि अगर मैंने ये तो रजिस्टर कर दिया, जैसे कि आपने बताया कि वो क्लेम करे तो सस्पेंड भी हो सकता है, तो हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या हम फर्स्ट टाइम रख रहे हैं फॉर ब्रांड नेम? एग्जाम्पल कि आपने कोई ब्रांड चूज़ किया है ना, उसका वैसे ये मेथड भी हो सकता है कि आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे राइट करें अमेजोन की सर्च बार में, आप राइट करें कोई भी जो भी आपने ब्रांड का नेम राइट किया। फॉर एग्जाम्पल जी आपने सिलेक्ट किया है जोगो ब्रांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जोगो जो है मैं यहाँ पे राइट करके ना, तो जोगो ब्रांड को यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेक कर लूँगी। अगर तो प्रोडक्ट्स जोगो के अकॉर्डिंग आ गई हैं, तो इसमें ये ऑलरेडी पीछे ब्रांड, अच्छा रजिस्टर होना या ना होना एक समथिंग डिफरेंट केस, बट हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते। वो इधर उसने अभी रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, डेफिनेटली वो अमेजोन पे इतनी प्रोडक्ट ये जोगो ब्रांड लेके आया है, तो इसने अमेजोन पे रजिस्टर भी तो करवाना है ना। तो वो मे भी अभी इसके रजिस्टर करवाने में 2 से 3 मंथ ही रहते हों, उसने तो करवाना ही करवाना है। हमने इसको चीट नहीं करना, हमने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग चलना है। और यहाँ से अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आया था जोगो ब्रांड में कर ये अपने ब्रांड का नेम रखूँ, तो मैंने देखा जोगो ऑलरेडी रजिस्टर है अमेजोन पर, इस वजह से फिर ये है कि ब्रांड का मैं यहाँ से भी आ रही। अब ये तमाम प्रोडक्ट्स जोगो की हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि जोगो ब्रांड है तो सही, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। अच्छा, जो फर्स्ट रजिस्टर करवाया उस अमेजोन, उसके लिए मतलब होगा, या फिर अगर ये लिस्टिंग उनकी बनी हुई है जोगो की और उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, वो मेरे रजिस्टर करवाने के बाद करवा रहे हैं, तो वो क्लेम किसको आएगा? कि जो फर्स्ट टाइम मैंने रजिस्टर करवाया मुझे आएगा, जो इसकी ऑलरेडी लिस्टिंग है उन्हें आएगा? नहीं क्लेम फिर उसको आएगा जिसने पहले रजिस्टर करवा लिया है ना, वो तो बच गया है, वो तो सेफ जोन में है। लेकिन वो फिर जो बाद में अगर उसकी लिस्टिंग भी पड़ी है, उसने रजिस्टर नहीं करवाया, वो ट्रैप हो जाएगा। सही सही, अच्छा मैम वन मोर थिंग कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रांड है, अगर हम उसका जस्ट थोड़ी सी उसकी जैसी प्रोडक्ट अगर हम अपने मैन्युफैक्चरर को बोलते कि हमें बना के दे दें, लेकिन उसका हम ब्रांड नेम नहीं लेते, अपना कोई ब्रांड नेम चूज कर लेते, तब भी हमें कंप्लेन आ सकती है। फातिमा मुझे आपका हेलो क्वेश्चन समझ नहीं आया कि सप्लायर से जब हमने कहना है यही प्रोडक्ट हमारे कंपेटिटर के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करें, आगे आपने क्या क्वेश्चन किया? आगे मैंने क्वेश्चन ये किया कि अगर हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ले आए और अपना ब्रांड नेम उसके ब्रांड नेम का जैसे ना रखें, तो तब भी हमें कंप्लेन आ सकती है। हाँ ये है कि ब्रांड नेम अगर चेंज हम कर रहे हैं तो डिज़ाइन भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि आपने कहा डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, फिर तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर से कह के कोई कलर करवा सकते हैं, कोई डिज़ाइन में चेंजेस करवा सकते हैं, उसकी वजह से बिल्कुल सेम टू सेम ना लगे, उससे हम बच सकते हैं, इतनी बड़ी सस्पेंशन से बच सकते हैं हम। ऐसे यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर कंपेटिटर को चूज करते हैं ना, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज लेते ही इसलिए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हैंडल बनाया ना, तो मे बी उसने स्लिपरी बना दिया है, आइसक्रीम स्कूप का हैंडल है वो स्लिपरी बना दिया है, तो वो नीचे कमेंट में आया था कि ये स्लिपरी था और मेरा आइसक्रीम स्कूप, इस प्रोडक्ट का मैंने आइसक्रीम पढ़ा स्कूप है। जो है, हाँ तो वो ब्रेक ब्रोकन हो गया है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे फिर हम रेजिस्टेंस ऐड करवाएंगे कि ये यूनिकनेस होगी हमारे प्रोडक्ट की, तो इस तरह थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं जी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा अमेज़न किसी ने ये
कंप्लेंट की वजह से या किसी भी इशू की वजह से लिस्टिंग में कोई इशू आ रहा है, उनका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं कि हमें अमेज़न अलाउ नहीं करता कि हम उसी प्रोडक्ट के साथ इसको लाइव करें लिस्टिंग को? अगर रीस्टेन हो जाए ना तो उसको अमेज़न, अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो उसको रीस्टेन किया जा सकता है। अगर रीस्टेन हम कर लें तो उसी प्रोडक्ट के साथ हम कर सकते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये किसकी आवाज़ डिस्टॉर्शन में आ रही है? माइक चेक करें अपने। फैजान आप भी माइक म्यूट करें जी। आप क्वेश्चन करें फातिमा। हाँ जी, मैं ये मैम क्वेश्चन कर रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की रीइंस्टेट हो जाती है, उसके बाद अमेज़न कहता है कि आपकी इनवॉइसेस जो थी वो फेक थी किसी भी प्रोडक्ट की, उसके बाद हम जब उसको रीइंस्टेट करते तो क्या हमें अमेज़न उसी प्रोडक्ट के साथ जान देता है कि हमें उसको कहते हैं बंद करना होता है प्रोडक्ट को? अच्छा, इसमें ना ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो ड्रॉप शिपर होते हैं ना, ये आए रोज दिन अपने अकाउंट सस्पेंड करके बैठे होते हैं, तो दोबारा ये रिस्टेन कर लेते हैं अकाउंट को, तो जो प्रोडक्ट्स इनकी लाइव होती है ना उसी प्रोडक्ट के साथ वो चलते हैं, वो प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करते लिस्टिंग वगैरह। हाँ, ये ऐड करते रहते हैं प्रोडक्ट्स, ऐड करते रहते हैं, कोई टेस्टिंग करते रहते हैं प्रोडक्ट्स में, जैसे होलसेल में हमने करना होता है, एक प्रोडक्ट के साथ नहीं चलना होता, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ चलते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जी जी आप क्वेश्चन करें। जी सर, मैम ये मैं कह रही थी कि मेरे एक प्राइवेट लेबल के यूएई के मार्केट के क्लाइंट थे जिनके लिए मैंने लिस्टिंग करके दी थी, उनके कोई इशू आया था कि कस्टमर्स ने कंप्लेंट की थी कि आप ना डिफरेंट वेरिएशन के साथ प्रोडक्ट्स सेंड करें, उनको उनके डिमांड के मुताबिक नहीं मिली जो उन्होंने ऑर्डर की थी प्लेस, तो उसके बाद उन्होंने अमेज़न ने उनका डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट, बंद कर दिया अमेज़न का अकाउंट, तो उसके बाद जब उन्होंने दोबारा उसको उसके लिए भेजा, क्या कहते हैं, प्रपोजल भेजा या उसको कहा कि आप दोबारा इसको एक्टिवेट कर दें, तो अमेज़न ने उस प्रोडक्ट के साथ उनको जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा इसको प्रोडक्ट को आप बंद करें, अब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसा होता है मैम? नहीं, ऐसा वैसे हमारा एक्सपीरियंस है ऐसा चीज़ पे नहीं रहा कि ऐसे यानी कि मिसहैपन हो जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें वैसे इनवॉइसेस फेक थी, इनवॉइसेस फेक थी उनकी जिसकी वजह से अमेज़न ने इशू उठाया। हाँ, फेक थी ना, इनवॉइसेस फेक थी, लेकिन अगर मेरा वैसे आइडिया कहता है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इस पर, लेकिन मैं यहाँ तक मुझे आइडिया है, मे बी ऐसा हुआ हो कि अगर वो फेक इनवॉइसेस थी ना, अगर इनवॉइसेस अगर ओरिजिनल प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़न को तो कोई इशू नहीं है, अमेज़न दोबारा उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग एक्टिव कर सकता है, लाइव कर देता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अमेज़न को हमेशा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अमेज़न अपनी मार्केट को ख़राब नहीं करना, अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता।